2024 का चुनाव आस्था, हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल दिख रहा है। ये माहौल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखा। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुई है, और अब नरेंद्र मोदी फिर से राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां रोड शो करने वाले हैं, और इस रोड शो में वो खास संकेत भी देंगे। और इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम जनता के बीच गई और जनता के बीच जाकर लोगों से भी ये पूछा कि इस बार चुनाव में राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी की आस्था और विपक्ष के नैरेटिव का कितना असर पड़ेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े महासमर के तीसरे चरण में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राम की नगरी में आ रहे हैं, जिसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी अयोध्या में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। 5 मई को अयोध्या पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, रामलला के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद चुनावी रण में उतरेंगे। तो जाहिर है निशाने पर होगी कांग्रेस। के सातवें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस को घेरते रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं आने पर सवाल उठाते रहे हैं, और जब वो 5 मई को राम की नगरी में होंगे तो जाहिर है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अयोध्या सजी सबरी, अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, देश में चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बीच में चुनावी हिंदू जिस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक कोरोना, डेंगू, मलेरिया, सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे, प्रतिबंध कर देंगे, फाड़ना, जलाना, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, निहत्थे राम भक्त तो किसी ना गोली चल नहीं करना, बाद में कह देना कि नहीं हमसे गलती हो गया, हमारे पापा ने गलत कार्य किया, हम होते, हमारी शासन सत्ता, हमारी सरकार होती तो बीजेपी से पहले कहीं राम मंदिर का निर्माण हम कर देते, हमसे बड़ा कट्टर हिंदू कौन, हमसे ज्यादा सनातनी कौन, हमको बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर उनको निमंत्रण दिया जाता है कहते अरे बाबा, अरे बाबा, वो तो RSS और बीजेपी का कार्यक्रम है, मुझको नहीं आना। सियासत के बीच अयोध्या नगरी के लोग पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और राम मंदिर निर्माण, विकास और अयोध्या के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पे काफी कुछ बदलाव हुआ, यहाँ की हवा, यहाँ की पब्लिक सिटी जो भी है, यहाँ पे काफी बदलाव हुआ है, और जहाँ तक देखा जाए यहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक नई जीवन रेखा मिली है जीने के लिए, और रोजगार भी मिलने की उम्मीद की जा रही है। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, जबकि अभी इस समय में जो है ये अनेक प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, जिससे और भी आने वाले समय में गवर्नमेंट सुविधा दे सकती है अयोध्या वासियों को। बहुत ही बदल गई है, लोग बाग देखो आप कितनी भीड़ रहती है, लोग से दूर आते, पहले अयोध्या में आते नहीं थे। राम मंदिर बनने से लोगों के दिल में एक जागरूकता भी पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है, और इंतजार है तो पीएम के आने का। जब पीएम चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या में होंगे, प्रभु राम की नगरी में रोड शो करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि रामलला का आशीर्वाद किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मौसम चुनावी है, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है। हमने सर्वे में कई सारे सवाल पूछे हैं और उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी है।
सर्वे का पहला सवाल आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या राम मंदिर निर्माण को आप प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 83% लोगों ने कहा कि हाँ और 16% लोगों ने कहा ना। 1% लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ कीर्ति निधि पांडे हैं जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम धनंजय गिरी और कीर्ति निधि पांडे जी से चर्चा कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे मौजूद है। पांडे जी, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अयोध्या में रोड शो करने जा रहे हैं, एक संकेत देंगे और वो संकेत क्या देंगे ये भी आपको मालूम है, लेकिन इन सब के बाद निशाने पर विपक्षी पार्टियां होंगी, इंडिया गठबंधन होगा। और हमने लोगों से भी राय मांगी, उसमें जो पहला सवाल यही था कि राम मंदिर निर्माण को प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं क्या? 83% लोगों ने हाँ कहा है, आप कितना भी नकारते रहे। मनोज जी, जो बात आपने सवाल में पूछा, मैं आपके सवाल पर कोई सवाल नहीं कर जी, जनता की राय है, जनता की राय सर्वोपरि, जनता का फैसला सर्वोपरि। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निर्माण के लिए जो कमेटी बनी वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनके निर्देश अनुसार कमेटी बनी। इसलिए मंदिर बनने का श्रेय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। और ये बात आज नहीं, जब इस विवाद की शुरुआत हुई तो हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि फैसला जो कोर्ट से होगा वही दोनों पक्ष को मान्य, और हुआ भी वही कि कोर्ट से फैसला हुआ और उस कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, रोड शो में संकेत देंगे, जब सरकार के मुखिया जनता के मुद्दों पर फेल हो जाते हैं तो धार्मिक मुद्दों का सहारा लेते हैं, क्योंकि तो प्रधानमंत्री ये बताने में फेल है कि रोजगार कितना दिए। 100 शिक्षित बेरोजगार नौजवानों में शिक्षित 85 बेरोजगार हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है देश के माननीय प्रधानमंत्री? धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आपके तमाम सारे सवालों का जवाब हम उन्हीं से ले लेते हैं। धनंजय साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं जानता हूं, बड़ी लंबी। पांडे जी, बहुत सारे सवाल भी हैं तो एक एक करके हम जवाब भी लेते जाते हैं। धनंजय साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, अब चुनाव है मनोज जी, और चुनाव उन लोगों के बीच में है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी और जिन्होंने छाती देकर के गोलियां खाई थी। ये देश ने दोनों चीजें देखी कि सरजू का पानी किसके टोपी का रंग राम भक्तों के गोली से लाल है और किसके छाती लहूलुहान, किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाए, किसने 4-5 सरकारें अपनी कुर्बान कर दी मंदिर ध्वस्त होने के बाद, कौन कौन से लड़ा, मजार पर चढ़ती थी चादर और भगवान राम का होता था निरादर, कहा जाता था कि राम हुए हैं पैदा इसके प्रमाण दो, और ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी है, मंदिर भी सजाया है, दरबार लगाया है प्रभु का। और 2014 में जब सरकार बनी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, जैसे 11वीं अर्थव्यवस्था, 2004 में सरकार आई 11वीं, आज 5वीं पर है, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी 45 लाख करोड़ की है, आज सैकड़ों यूनिकॉर्न बन रहे हैं, 320 सैटेलाइट, गिनती भूल जाएंगे, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ राज्य की स्थापना प्रधानमंत्री नेतृत्व में हो रहे भगवान राम के आदर्शों को जिस तरह से स्थापित किया जा रहा है, हिंदुत्व क्या साधना है, संघर्ष है, शिखर है, संवेदना है, संबंध है, संबोधन है, हिंदुत्व हमें आदर्शहीन मौत नहीं बनते बल्कि हम शहीद होते हैं, गोली खाने के लिए हिंदुत्व जो आकाश। वही लाइन में समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या लाइन लेने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, वो संकेत तो साफ हो गया। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन सर्वे का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल है कि राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का चुनावों में क्या असर होगा? 6% लोगों ने कहा कि अयोध्या के आसपास असर होगा, 16% लोगों ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, 61% लोग ये मान रहे थे कि पूरे देश में इसका असर होगा और 13% ये मान रहे थे कि कोई असर नहीं होगा। 4% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। पांडित जी,
देखिए मनोज जी, दूसरे सवाल का जवाब दो, उससे पहले गिरी जी ने कई सवाल उठाए जी। कह रहे थे कि मजारों पे चद्दर चढ़ाते, एलके अडवाणी साहब इनके नेता हैं और जिन्ना के मजार पे चद्दर चढ़ाने पाकिस्तान चले गए, ये कभी उस सवाल पे नहीं बोलते। और जो बात मैं कह रहा था कि क्या राम का आदर्श है कि 700 किसानों की शहादत हो जाए, क्या राम का आदर्श है कि बेरोजगार दर लगातार बढ़ता रहे, क्या राम का आदर्श है कि सिलेंडर का दाम 400 से 1200 हो जाए, क्या राम का आदर्श है कि महंगाई बढ़ती रहे, लोग तबाह रहे, क्या राम का आदर्श है किसानों की आय दुगनी ना हो, क्या राम का आदर्श है कि जो प्रधानमंत्री कहे 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का और रोजगार न मिल पाए, क्या राम का आदर्श है? जिस आदर्श की बात 2019 में भी पांडे जी ये तमाम सारे सवाल जो अभी आप उठा रहे हैं वही सारे सवाल आपने 2019 में भी उठाए थे, बस राम के आदर्श की बात नहीं जुड़ गई है। राम का आदर्श सामाजिक न्याय का आदर्श, समाजवाद का आदर्श था। राम के ऊपर उंगली उठी तो राम ने क्या किया, यहाँ तो उंगली उठ रही है तो सारे भ्रष्टाचारियों को शरण दिया जा रहा है, यहाँ तो उंगली उठ रही है तो बाप की जगह बेटे को टिकट दिया जा रहा है, यहाँ उंगली उठ रही है तो मणिपुर का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ उंगली उठ रहे तो उन पवाल बेटियों के बारे में भी प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं आ रही जो अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, जो इस देश को सम्मानित की गोल्ड मेडल लाई उन बेटियों के पक्ष में प्रधानमंत्री खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, 4 किलोमीटर चल के अपने घर पे उन बेटियों के पास तक नहीं जा पा रहे हैं। ये तमाम सारे सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है पांडे जी, ये तमाम सारे सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। अजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उनसे पहले मैं धनंजय साहब से जवाब ले लेता हूँ जिसका जिक्र पांडे जी उठा। धनंजय जी, देखिए मनोज जी गोली वाली बात गोल कर गए, क्योंकि इनके यहाँ दिक्कत ये है कि समाजवाद पर जो कदम गोली भाई साहब आपकी जिम्मत रखी बोला, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखिए पांडे जी, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। पांडे जी एक बार सुन लेते हैं, धनंजय जी का कहना है कि उन्होंने शांत होकर आपको सुना, तो एक बार आप भी उनको सुन लें। आदम गोडवी ने कहा है मनोज जी कि पक्के समाजवाद के हैं तस्कर हो या डके, कितना असर है खादी के उजले लिबास, आप आज भी समाजवादी पार्टी के टिकट जेल से डिसाइड हो या कहीं रोए, दिक्कत समाजवादी पार्टी को, माफियाओं को शहीद बताने उनका फातिहा पढ़ने चले जाते, आप देखिए सब सुनने का साहस भी नहीं बचा मनोज जी, सब सुनने का साहस भी नहीं बचा। आइए बताइए परेशानी क्या है, परेशानी यही है कि वाद विवाद बढ़ जाता है। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं क्योंकि दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वे का एक और सवाल है, राहुल गांधी अब तक अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं गए, इसकी वजह क्या है? 31% लोग मानते हैं कि निजी आस्था का ये मसला है, 14% लोग मानते हैं हिंदुत्व की अनदेखी है, और 25% लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोट खिसकने का डर है इसलिए नहीं गए, और 30% लोग ऐसे थे उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। अजय वर्मा साहब, चूंकि आप आ ही गए तो जवाब आप ही दे दीजिए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? ये कहा जा रहा था कि जब वो पर्चा भरेंगे उसके पहले या तुरंत बाद रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। देखिए राम जो है, जय श्री राम जो है, भगवान श्री राम हिंदुस्तान के कण कण में और घर घर में मौजूद है, लेकिन ये पाखंडी दुराचारी कपटी गलत कार्यों को संरक्षण देने वाले ये आशाराम बापू के शिष्य ये ब्रजभूषण का समर्थन करने वाले कुलदीप सेंगर की विचारधारा के लोग, ये लोग भगवान राम को ये कहते हैं कि 500 कहां से लाए थे भैया, कभी राम कहते थे वो तो जग जग में कड़कड़ में हजारों वर्षों से मौजूद है, और जिन राम की वजह से आपका वजूद है उन राम को आप इतना छोटा कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बीच में सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देश के बीच में उंगली पकड़ के आप बीच में ना बोले भैया, समझ में आ रहा है कि में राम बसे हैं। धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, गिरी जी मर्यादा भूल गए, ऐसे गॉडसे के विचारकों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए जो जिनके कड़कड़ में
एक बार अजय वर्मा को सुन लेते हैं, फिर हमारे साथ महंत हनुमानगढ़ी राजू दास जी भी हैं, उनको भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपने पूरा नहीं सुना, ये प्रज्वला रेवन्ना के शिष्य आ गए बलात्कारी हुसैन पी के, ये प्रज्वल रेवन्ना के शिष्य आ गए बीच में, इन्हें चुप करिए जरा। देखिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम और कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी, अविनाश पांडे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम 15 तारीख को अयोध्या गए, दर्शन करके आए। किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत कोई है? जब मन में राम, ऐसा नहीं करते मन में राम बगल में छुरी, जा रहे हैं वहां बलात्कारी एमपीओ को समर्थन, बेटियां बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां 70 करोड़ महिलाएं। चलिए महंत हनुमानगढ़ी राजू दास हमारे साथ मौजूद है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और महत्वपूर्ण सवाल ये है राजू दास जी कि राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर चुनाव का कितना असर होगा, हमने ये पूछा। इसके साथ साथ हमने लोगों से ये भी पूछा कि अब तक राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, आप क्या मानते हैं? अजय जी थोड़ा रुकिए, सुन लीजिए। बड़े गर्व की बात है, विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, और मोदी जी इस बार रोड शो कर रहे हैं अयोध्या से। विषय यह है कि इसके पहले माननीय मोदी जी आए थे, प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी रोड शो किया था, उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण, उसके बाद पुनः रोड शो कर रहे हैं। हम लोग उत्साहित है, मन प्रफुल्लित है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद कोई ऐसा देश का राजा हुआ जिसने सबकी चिंता किया, मैं तो कौन चिंता करता हूँ, एक मजहब सिर्फ एक कौन से लोग बात करते थे, सिर्फ टोपी पहनकर सिर्फ लोग मुसलमानों की बात करते थे, फकरों की बात करते थे, उन 3 बीवी 70 बच्चों वाले की बात करते थे, संतों की बात कोई नहीं करता था, सनातन की बात नहीं करता था। यही हनुमानगढ़ी मंदिर है, जिस हनुमानगढ़ी मंदिर में ये मुल्ला मुलायम सिंह के पार्टी के लोगों ने दोनों गेट को ताला बंद कर दिया, लेकिन विकास पे कौन विवाद था, ये कुंडले के वंशज, ये बाबर के वंशज, औरंगजेब के वंशज, ये मुल्लों के वंशज, ये तख्त मुल्लों के वंशज, ये बाबर के औलाद जो बाबरी मस्जिद बनवाते थे, जो बाबर की बात करते थे, इनको मुझे लगता है कि मुझे आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इससे पहले कि बात और ज्यादा ना बढ़ जाए, बात बयानों के कहीं और इतर ना निकल जाए, हम सर्वे का चौथा सवाल ले लेते हैं। सर्वे का चौथा सवाल है कि सनातन आस्था के रक्षक और साधक के तौर पर किस राजनेता की छवि सबसे ज्यादा मजबूत है? 67% लोग नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं, 19% लोग योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं, 6% ही सही लेकिन 6% लोग राहुल गांधी को मान रहे हैं, 7% तो किसी और अन्य नेता को मानते हैं, और 1% तो इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे। धनंजय हमारे साथ मौजूद है, धनंजय साहब आपके पूछ। नैया के खविया नरेंद्र मोदी ने जिस ऊंचाई पर लेकर निशान को जा रहे हैं, उससे देश में पूरी दुनिया में बलात्कारी के एमपी के हाथ पकड़ के उठाने वाले, अरे बलात्कारी एमपीओ को समर्थन करोगे, घर की बेटियां भी, अरे तुम्हारे पास से नापाक रिश्ते आम हो रहे। अजय जी हम सर्वे कर रहे हैं, अयोध्या पर बात कर रहे हैं, हम क्या बलात्कार पर लेकर पहुंच गए? चरण चुंबक करने वाले प्रज्वल रेवन्ना की वैरायटी है आप में। धनंजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हथियार गिरे हुए लोग हैं मनोज जी, इनके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था महिलाओं को कि व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप देम एंजॉय, महिलाओं को बलात्कार को एंजॉय करने की, और जी दो दो प्रदेशों के मनोज जी ऐसे घटिया लोगों के साथ बात क्या करा, कांग्रेसी कुकर्मी, पाक से नापाक रिश्ते रखने वाले, पाक से नापाक रिश्ते रखने वाले नापाक लोग, ऐसे देशद्रोहियों को आप ला लेते,
द्रोहियों की जनता पाए पाए चल रही है। किसकी जनता रखने वाले जाकर के माफी भी पाकिस्तान से मदद आ रही है। तो पांडे जी आप अपनी, चलिए पांडे जी आप अपनी बात कर लीजिए। पांडे जी आप एक साथ सभी लोग मत बोलिए भाई, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, एक साथ सभी लोग अगर बोलेंगे तो किसी की भी बात नहीं जाएगी। देखिए छोटा सा उठा रहे हैं महंत जी। पांडे जी आप अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद महंत जी से बात करेंगे। हाँ पांडे जी संक्षेप में। मुझे तो इस बात की चिंता है कि राजू दास जी जैसे लोग अपने को संत कर रहे हैं, अपने को महंत कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आती कि जो मेयर का चुनाव सफाई हो गई जिनकी उत्तर प्रदेश से आतंकवादियों के साथ देने वाले, आतंकवादियों को केस वापस लेने वाले। देखिए पांडे जी ने सीधे सीधे महंत राजू दास जी के ऊपर हमला बोल दिया है और कह दिया है कि साहब ऐसे लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राजू दास जी बताएं। अरे राजू क्या वो जो सुनने की क्षमता रखो। आप डिबेट में अपनी बात को रखिए, लेकिन सुनने की क्षमता रखो। सुन तो लो भैया, सुनने खोखलाहट किस काम का है? पांच सीट नहीं पाओगे, अगर परिवार को न लगाओ तो एक सीट नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो? मतलब ये पूरी लड़ाई सीटों की है को ना लड़ाओ। मतलब ये मान लिया जाए कि पूरी लड़ाई सीटों की है। भांजा चाचा भतीजे अगर चुनाव ना लड़ो तो एक सीट नहीं। अरे मुलायम के पूरे परिवार के भी पाओ संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग, जो सनातन को पर कुठारा घात करने वाले लोग, जो सनातन को सदैव नीचे दिखाने वाले लोग। मेरा सवाल आपसे है, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप साधु का यह सम्मान है क्या, अपशब्द का प्रयोग करते हो, ये अच्छी बात है क्या? विषय ये है। अरे पांडे जी मैं तो राजू दास कह रहे हैं कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पांडे जी मेरी बात सुनिए। अरे पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं तो राजू दास कह रहे हैं मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। हम लोगों को दो दो महीने तक जेल में रखा, तुम्हारे जैसे समर्थन करते। धनंजय साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितनी गर्मी और जितने बयानों की गर्मी फील्ड में नहीं है, लोकसभा के क्षेत्र में नहीं है, उससे ज्यादा गर्मी टीवी में देखी जा रही है, इस बहस में देखी जा रही है। और लोहिया जी को भी गाली देने का काम किया, और लोहिया जी राम राज की परिकल्पना करते थे, लेकिन आपने क्या किया? रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को फाड़ेंगे, जलाएंगे, प्रतिबंध करेंगे। हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है, हिंदू सजग हो चुका है, हिंदू आपको जवाब देगा। आने वाले दिनों में पांच सीट उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, नोट कर लो, 1 2 3 4 5 शांत रहिए, बाकी के दो मेहमान और बैठे हुए हैं। पांडे जी कंट्रोल, महंत जी शांत, पांडे जी सुन लीजिए, बीपी कंट्रोल रखिए, महंत जी एक मिनट शांत रहिए, बाकी के दो मेहमान भी बैठे हुए हैं। आप इतना बोल रहे हैं कि लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा, आपकी बातें लोगों तक नहीं जा पा रही। और पांडे जी ने एक गंभीर आरोप धनंजय जी लगा दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। महंत साहब कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ता हूं नहीं बीजेपी का, मुझे प्रवक्ता बनाया जा रहा है। धनंजय जी देखिए, इस इनका अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, ये शुरू से इस देश के सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का अपमान करना,
राम भक्तों पर गोलियां चलाना, ये सपा की पहचान रही। और कांग्रेस के पांच भाई भाई अपने समय में, अपने समय में बोले पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी आप अपने समय बोल सकते हैं, पांडे जी वो संस्कार सिखाएंगे, वो संस्कार सिखाएंगे। राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे किस क्षमता में? पांडे जी आपको ब्राह्मण के नाम पर कलंक बोल दिया भाई, घटिया व्यक्ति, आतंकवादी मुझे लगता है मैं और आप ही शांत बैठे, बाकी तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं। मुझे लगता है कि बात यहाँ पर खत्म होगी नहीं और मामला बस कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो मैं शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगी हैं और इन तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियों में क्या चर्चा की आ जाए, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। बहुत